पीएम किसान सम्मान निधि का ई केवाईसी फाइनली शुरू हो चुका है, फाइनली वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पीएम किसान का कैसे ई केवाईसी करना है, प्लस साथ में जिसका हो गया है उसमें क्या लिखता है, किस तरह से आपको रिसीविंग मिलता है। चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबलू, स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल माँ लीला टेलीकॉम पर। दोस्तों यहाँ से अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का साइट पर आने के बाद यहां से आपको सीएससी लॉगिन, ये देख सकते हैं कि सीएससी लॉगिन कर लेना है, और जैसे सीएससी लॉगिन कीजिएगा तो आपका सीएससी लॉगिन हो जाएगा। और फाइनली इस तरह से आएंगे कि करेक्शन आधार, फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट फार्मर डिटेल, नो और बेनिफिशियरी स्टेटस, मैक पेमेंट, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ आधार नंबर शो कर रहे हैं, तो मैं एक आधार नंबर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका मैं केवाईसी फाइनली कर चुका हूं। तो इसमें क्या लिखता है, आधार नंबर यहां डालने के बाद जैसे इसका ओके कीजिएगा तो यहां से आपका यहां देख सकते हैं कि आता है ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन, इसको आप अगले साल के लिए वेट करना होगा, इसका अब फाइनली ई केवाईसी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं एक और का डाल लेता हूं, कैसे आपको करना है ये मैं बताने के लिए, तो यहां मैं एक और आधार नंबर डाल लेता हूं। जैसे आधार नंबर डालिएगा उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी आएंगे, तो देख सकते हैं कि इस तरह से खुल गए। आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर में डालता हूँ, मोबाइल नंबर में ओटीपी आएंगे, ओटीपी डालने के बाद सॉरी दोस्तों यहां मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, तो फाइनली दोस्तों ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से देख सकते हैं कैप्चर ई केवाईसी का आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं। कैप्चर ई केवाईसी करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं अगर आपके पास स्टार्टेक डिवाइस है तो यहाँ इस तरह से उसमें लाइट जल जाएंगे और यहाँ कैप्चर का ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ किसी दूसरे का है कैप्चर कर देता हूँ, तो ये नहीं लेंगे और कैप्चर मेरा सक्सेसफुल जो है नहीं होगा। इस तरह से एरर आने लगेंगे और यहाँ आपका सक्सेसफुल जैसे पेमेंट कैप्चर सक्सेसफुल हो गया, और जैसे मैं यहाँ इसको सबमिट करूंगा तो ये मेरा नहीं लेगा। देख सकते हैं कि एरर बता दिया नहीं लिया है, और जैसे ही पेमेंट करिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन शो होने लगेगा। जैसे सीएससी आईडी और पासवर्ड डालिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन इज पेमेंट डन सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएंगे। मोर्फो के लिए अभी लाइट नहीं जल रहे हैं, जिससे मोर्फो के लिए लाइट जलेंगे मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अभी सिर्फ स्टार्ट टेक के लिए ही काम कर रहे हैं, जितना हो सके आप ई केवाईसी करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।